हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज हम आपको लेके चलेंगे सावित्री माता के मंदिर जो कि पुष्कर में है। तो चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। जय माता दी। दोस्तों यहां से शुरुआत होती है मंदिर की। ये मंदिर का मेन गेट है और यहां पर एक फवारा सर्किल लगा हुआ है। वो भी पानी नहीं इसके अंदर, अभी तो बहुत ऊंचा चढ़ना होगा। हेलो दोस्तों, पिछले व्लॉग में हमने आपको नीचे का सीन दिखाया था और आज हम दिखाने वाले हैं आपको सावित्री माता का मंदिर। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का व्यू दिखाएंगे आपको। तनाव है ना बाबू। हम लगभग आधी से कम चढ़ाई चढ़ चुके हैं और यहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया है। दोनों तरफ जंगल है, एक तरफ ज़्यादा जंगल दिखाई देता है और एक तरफ जो है खाई दिखाई देती है। और दोस्तों यहाँ बीच में पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। अभी इस पेड़ के पत्ते आने वाले हैं, कुछ कुछ पत्ते आ रहे हैं, अभी सूखा हुआ है। खाई इतनी ज़्यादा गिरी, मेरी तो जो पैर है ना उसमें मतलब गुदगुदी सी हो रही थी देखने से, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ से। और कुछ इस तरह से बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच में से ये रास्ता बनाया हुआ है। मैं 15 साल पहले आया था, तब यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ नहीं थी, बट अभी जो है सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। यहाँ से पूरा पुष्कर दिखता है। ये देखो बीच के अंदर पुष्कर झील है जहाँ पे हम नहाए थे पिछले व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आप। यहाँ से दोस्तों खड़ी चढ़ी है एकदम, और हम चढ़ते चढ़ते थक गए, बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर में। तो ये मंदिर का गेट है, अब अंदर जाएंगे। अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हम बाहर से दिखाएंगे आपको। यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा गूगल मैप की तरह दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी खाई है यहाँ से। ये मंदिर का टॉप व्यू है। ये डोलियाँ आ रही है ना, ये जो रोप वे, वो अगले व्लॉग में दिखाएंगे आपको। यहाँ से दिखता पूरा पुष्कर का नज़ारा। धूप थोड़ी ज़्यादा है आज। ये रोप वे में जाने वाले लोगों की भीड़ लग रही है। स्टेशन है यहाँ पर। और ये है सावित्री माता का मंदिर, बाहर से मैंने व्यू लिया था। ये परिक्रमा मार्ग है, पीछे की तरफ भी कुछ बना हुआ है। लेकिन वो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने नहीं बनाया था। ये मंदिर के पीछे गाइस, यहाँ पर एक कुआं मिला है जिससे यहाँ पर पानी पीते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो छाटा ही पानी नहीं है इसमें तो। इसमें तो डिबड़े डिबड़े पड़े। और यहाँ से डेजर्ट एरिया दिखता है, जहाँ से सफारी जो गाड़ियाँ चलती है, डेजर्ट बाइक चलती है, घोड़े ऊंट सभी यहाँ पर मिलेंगे। ये देख छोटी छोटी दुकानें दिख रही है, जबकि बड़ी है, लेकिन यहाँ से हाइट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी थोड़ी दिख रही है। ये पूरा डेजर्ट एरिया है। बरसात के टाइम में हम जाएंगे वहाँ पर, व्लॉग शूट करके आएंगे ये जो डेजर्ट एरिया वहाँ पर। तो दोस्तों ये आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ।